بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग. आज हम दोबारा से आ चुके हैं हमारे चैनल पे. तो गाइस, हमारा जो है फ़ोन ख़राब था, हमने नया फ़ोन लिया है, इसी वजह से काफ़ी दिन तक वीडियो नहीं आई. तो गाइस, आज हम आपके लिए दोबारा से वीडियो ले रहे हैं, एक जो है पेपर पैरेट की. तो गाइस, हम आपको इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो स्टार्ट करते हैं अपने पैरेट को ना. तो गाइस, सबसे पहले आपने फुल साइज के पेपर को ले लेना है, और आपने इसको यहाँ से जो है फोल्ड कर देना है. तो गाइस, आपने जो है इसको यहाँ से कट कर देना है. तो गाइस, इसको कट करने के बाद आपने जो है इसको खोल लेना है, और इसको दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देना है. तो गाइस, जो है आपने इसको ओपन करके ऐसे फोल्ड कर लेना है. तो गाइस, आपने सेम चीज इसी पार्ट के साथ भी करनी है. तो गाइस, ऐसा करने के बाद आपने इसको जो है ओपन करना है, और आपने जो है इसको ऐसे करके इसको ऐसे क्लोज कर देना है. और क्लोज करने के बाद आपने जो है इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर देना है. तो गाइस, इसको फोल्ड करने के बाद आपने जो है इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है. तो गाइस, सेम चीज आपने इसी साइड पे भी करनी है. तो गाइस, ऐसा करने के बाद आपने जो है इसको खोलना है, और इसको ऐसे करके इसके अंदर जो है वो कर देना है. गाइस, सेम चीज आपने बैक पे भी करनी है. तो गाइस, ऐसे करने के बाद आपने इसको जो है ऊपर से फोल्ड कर देना है, और गाइस आपने जो है इसको ओपन करना है. तो गाइस, जहां से आपने फोल्ड किया होगा उसको ऐसे फोल्ड करने के बाद जो है यहां से काट देना है. तो गाइस, आपने जो है इसको यहां तक कट कर लेना है. तो आपने दोबारा से वही जो है इसको उसी शेप में ला लेना. तो गाइस, आपने इसको इस शेप में लाने के बाद जो है
इसका एक साइड जो है ऊपर कर लेनी है और इसको फोल्ड कर लेना है। तो गाइस आपने दोनों साइड्स को जो है जो आपने पहले काटी थी उसको नीचे कर लेना है और इस अब डिटेल में सही तरह देखते हैं। तो गाइस आपने जो है इसको खोल लेना है। सेम चीज आपने इसी के साथ करनी है। गाइस आपने जो है इसको इसी साइड से भी कर देना है और जैसे आपने इन दो साइड्स को किया है। तो गाइस आपने जो है इसको ओपन करके इसके साथ अंदर फिल कर देना है। तो गाइस ऐसा करने के बाद आपने इसको नीचे को फोल्ड कर लेना है और इसको जो है ऐसे पीछे को करके इसको फोल्ड कर देना है। तो गाइस आपने इसको फोल्ड करने के बाद इसको जो है पीछे करना है और इसको नीचे करने के बाद आपने इसको इस लाइन के साथ जो है वैसा ही कर देना है। जैसा ये देखिए ये जो ऐसी लाइन थी वैसा मैंने इसको कर दिया है और सेम चीज़ आपने इसी साइड के साथ करनी है। तो गाइस अभी जो है ना है तो गाइस अभी जो है आपने इसके जो है इस वाली साइड को जो है पीछे को फोल्ड कर देना है। सेम इसी साइड पे करना है। तो गाइस आपका जो है पैरेट वो 90% बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी आपने जो है इस लाइन तक इसको फोल्ड करना है। गाइस आपने ध्यान देना है ये तीन है और आपने एक को इसके साथ कर देना है और दूसरे वाले को इसके साथ और सेंटर वाले को जो है आपने अभी कुछ भी नहीं करना है। तो बस आपने इसको जो है यहाँ से ओपन करना है और इसके जो है ओपन करके इधर से फोल्ड कर देना है। वैसे सेम चीज़ आपने इसी के साथ करनी है। गाइस अभी हमारा जो है पैरेट 95% बन चुका है। गाइस अभी हम बनाएंगे इसका हेड। गाइस सबसे पहले हेड बनाने के लिए आपने जो है यहाँ पे अपना थंब रख के इसको नीचे को फोल्ड कर देना है।
गाइस नीचे को फोल्ड करने के बाद आपने जो है इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाना है और इसको खोल के जो है इसको ऊपर कर देना है और इसको जो है दोबारा से बंद कर देना है। तो गाइस ऐसा करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे लाना है और जो है आपने ना इसको नीचे कर देना है। गाइस ऐसा करने के बाद जो है आपका जो पैरेट होगा वो बन जाएगा। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं मेरा बन चुका है और जो है आपने इसको ना यहाँ पे आप आइस भी बना सकते हैं। तो गाइस आपने इसकी आइस बना लेनी है और ये जो इसकी ये है ना आगे वाली चूंच इस पे आप रेड कलर भी कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।